हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले 11th के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, लॉगिन आईडी कैसे मिलेगा, पासवर्ड कैसे एंटर करना है। तो आज सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर 11th ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो अभी तक स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है वो कॉलेज के लिए ही चल रहा है और 15 तारीख से ये जो वेबसाइट है वो बच्चों के लिए काम करना शुरू कर देगी। तो बिना वेबसाइट के ओपन हुए आप लोग रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नहीं भर सकते। उसके क्या चार्जेस है, उसके क्या प्रोसेस होगा, वो सब की सब चीज़ें मैं आपको जैसे ही वेबसाइट वर्किंग करना शुरू करेगी मैं आपको पूरा डेमो करके दिखाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर फॉर्म भरना है तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भर सकते हैं, उसी के साथ साथ आप मोबाइल से भी अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको किस तरीके से वेबसाइट को समझने की कोशिश करने, क्योंकि आपके लिए वेबसाइट नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है, वहां पर आपको टाइप करना है 11th एडमिशन और org.in। यहां पर भी आप क्लिक करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट आपको यहां पर दिखाई देगी, स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आपको यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप करोगे तो आपको इसको इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर वर्षा गायकवाड़ जो हमारे स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये आपके ऑफिशियल्स है जो 11th एडमिशन का प्रोसेस का कार्यभार संभालते हैं। अब आप इस इंटरफेस को आगे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको रीजन्स दिखाई देंगे, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती। मुंबई में मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे का इलाका आता है, पालघर का इलाका मुंबई के ही इसमें आता है। तो अगर आप इस इंटरफेस पर जाने के बाद तो यू हैव टू जस्ट अप्लाई एज़ पर योर कन्वीनियंस। आप कहाँ से कर रहे हो, मुंबई, पुणे, नागपुर, जहाँ से, तो मैं मुंबई पर फ़िलहाल क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन, फ़िलहाल अभी कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब ये फॉर्म जो है वो बच्चों के लिए अभी तक खुला नहीं है, यानी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर फॉर्म नहीं खुला हुआ है, क्योंकि 15 तारीख से आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट थी। एडमिशन शेड्यूल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको आपके सामने एक PDF डाउनलोड होगा और ये PDF होगा आपके शेड्यूल का, कि एडमिशन किस तरीके से शेड्यूल करना है। तो मैं आपको खोल के यहाँ पर देखिए एडमिशन शेड्यूल का आज एक सर्कुलर आ चुका है, जहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि 15 तारीख तक कॉलेज के रजिस्ट्रेशन थे, उसके बाद आपके कॉलेज के फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट गैजेट्स एंड GRE आपके लिए भी ज़रूरी नहीं। यहाँ पर देखिए लॉगिन ID एंड पासवर्ड का ऑप्शन है, लेकिन अभी तक आपका लॉगिन ID पासवर्ड आपको जनरेट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक ये वेबसाइट बच्चों के लिए शुरू नहीं है। इसका मतलब कल जैसे ही ये वेबसाइट वर्किंग करना शुरू कर देगी, वैसे ही मैं आपको एक डेमो फॉर्म भरकर दिखाऊंगा कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। ईच एंड एवरी प्रोसेस मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा, सारी इंटरफेस को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, आपको कब कैसे फॉर्म भरना है वो सारी प्रोसेस मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर क्या फॉर्म भरने के लिए आपको घाई करनी है, यानी 15 तारीख को अगर वेबसाइट ओपन होती है स्टूडेंट्स के लिए तो क्या पहले दिन ही रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर है नहीं, आपको कोई घाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हैवी ट्रैफिकिंग आ जाती है, जब एक ही साथ पे बहुत सारे बच्चे एक ही साथ फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर सर्वर का इशू शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आपको एक दिन में ही, यानी 15 तारीख को फॉर्म खोला तो 15 को ही फॉर्म भरना ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पार्ट वन का फॉर्म जो है वो आने वाले एक महीने तक ऑन रहने ही वाला है। 15 दिन आपका एग्जामिनेशन रिजल्ट आने से पहले खुलेगा, और जब आप पार्ट टू का फॉर्म भरोगे उसके पहले भी आप पार्ट वन का फॉर्म भर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी घाई करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जिस वजह अगर आप ज़्यादा घाई करोगे एक ही साथ ट्रैफिकिंग उस वेबसाइट पर आ जाएगी तो हो सकता है वेबसाइट क्रैश भी हो सकती है, जो आपके लिए तकलीफदायक होगा। आपको सिर्फ वेबसाइट पर विजिट करना है, फॉर्म खोला कि नहीं वो चेक करना है, और उसके बाद आप जितने भी डिटेल्स वहाँ पर मांगेगा, जैसे अगर मैं वीडियो बना दूंगा तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स आप निकाल कर रखिए और उसको प्रॉपरली फिल कीजिए। करेक्शन के चांसेस मत रखिए, क्योंकि उससे थोड़ा सा तकलीफ आपको बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर बने रहिए। 11th एडमिशन से रिलेटेड पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने की टाइम टू टाइम कोशिश करूँगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।